125 सीसी में इससे ज़्यादा स्पोर्टी और इससे ज़्यादा मस्कुलर बाइक शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं यहाँ से 125 हटा दूँ तो शायद आप ये कह नहीं पाएंगे कि ये 125 सीसी बाइक है, क्योंकि बॉडी लाइन से ये पूरी बाइक NS 160 की तरह ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज पल्सर NS 125 BS6 के बारे में। जो लोग 125 सीसी बाइक की कीमत में 160 सीसी का मज़ा चाहते हैं, उनके लिए ये बाइक बेटर ऑप्शन साबित हो सकती है। और आज मैं आपको NS 125 BS6 के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी देर हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये बाइक उपलब्ध है तिरुपति बजाज, लक्ष्मणपुर, प्रयागीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर बजाज की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बाइक के मॉडल और डिज़ाइन की बात करेंगे। तो ये पूरा मॉडल और डिज़ाइन NS 160 वाला ही है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसकी तरह है, मैं ये कह रहा हूँ कि वही है दोस्तों, क्योंकि आप इसके हेडलाइट के डिज़ाइन को देखेंगे जो कि सुंदर के साथ साथ काफ़ी खतरनाक और काफ़ी अग्रेसिव दिखती है। इसके हेडलाइट का आप डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पर हेडलाइट है जो कि हेलोजन वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दो पायलट हेडलैम्प इसमें मिल रहे हैं और NS 160 वाले ही इंडिकेटर इसमें मिलते हैं। बजाज का जो लोगो लगाया गया है वो भी रेडियम वाला है जो कि चमकेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे वाइजर छोटा है लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा और ख़तरनाक सा दिख रहा है। और इस डिज़ाइन को आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको फील देगा ये। और मडगार्ड अगर आप देखेंगे तो इस पर कार्बन फाइबर फिनिश इस पर दिया गया है दोस्तों। और अब आप साइड से देखेंगे NS 125 को तो आप देखेंगे काफ़ी मस्कुलर बनाया गया है। 125 काफ़ी बड़े में लिखा गया है और ब्लू, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसमें ब्लू कलर की ये बाइक है। इसमें 3D में पल्सर लिखा हुआ जो कि ऊपर से वाइट है, नीचे से आउटलाइन ब्लैक है। यहाँ पर आप देखेंगे 125 है, ये वाइट स्टिकर से लिखा गया है, बाकी पूरी बाइक ब्लैक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके सीट काउल को तो इसमें ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसमें वाइट कलर के स्टिकर इसमें आपको मिलते हैं। स्प्लिट ग्रैब रेल हैं और स्प्लिट सीट हैं, जिस पर ये डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं इसका बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो साइड से ये बाइक देखने में आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीछे आप देखेंगे तो मोनो सस्पेंशन की वजह से ये जगह पूरी खुली हुई है, जैसा कि लोग स्पोर्टी फील करना चाहते हैं पीछे से, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। टायर हगर भी इसमें दिया गया है, यहाँ पर टेल टिड्डी दी गई है और NS वाले इसमें आपको इंडिकेटर मिल रहे हैं। बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आप टायर देख रहे हैं माइलेज बढ़ाने के लिए, जिससे 125 सीसी बाइक है आपको माइलेज मिल पाए, इसलिए इसमें आपको टायर जो मिल रहा है वो 190/17 का ट्यूबलेस टायर इसमें मिल रहा है, वो भी MRF कंपनी का मिल रहा है। तो 100 mm का टायर है, जिससे इसमें आपको माइलेज भी कंट्रोल में रहे, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। बाकी सीट खोलने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ओपन, लॉक, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और अब आप लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं इस बाइक को और आप लोग बताएं कि कैसी लग रही है ये ब्लू कलर में बाइक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मडगा इसकी पेट्रोल टैंक को आप देखें यहाँ से कि कितना मस्कुलर इसको बनाया गया है। तो 125 सीसी के हिसाब से ये बाइक काफ़ी मस्कुलर है और जो यंग जनरेशन है जो मस्कुलर और स्पोर्टी बाइक ढूंढते हैं उनको टारगेट किया है बजाज कंपनी ने, जिससे उन लोगों को एक स्पोर्टी और बेहतरीन बाइक मिल पाए। तो मॉडल और डिज़ाइन में देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है। चेसिस आप देखेंगे तो वही सारी चीज़ें इसमें लगाई गई हैं दोस्तों। और बाकी इसके और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके डिज़ाइन को। बाकी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मीटर दिखाना चाहूँगा। डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, जिसमें आपको सर्विस रिमाइंडर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और इसमें आपको डिजिटल वॉच भी मिल रही है, RPM लिमिट की लाइट मिल रही है, फ्यूल मीटर, RPM मीटर, बैटरी का, इंजन चेक की लाइट का, बजाज का मोनोग्राम, न्यूट्रल की लाइट, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको किल स्विच मिल रही है, यहाँ से सेल्फ स्टार्ट की स्विच मिल रही है, यहाँ पर इंडिकेटर की मिल रही है और हॉर्न, और यहाँ पर ये हाई बीम इसमें मिल रही है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें दी गई हैं, मतलब कि डिजिटल क्लॉक भी इसमें आपको मिलने लगी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, इसके साइड मिरर भी अलग डिज़ाइन के आपको मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फीचर्स इसमें आपको मिलता है। बाकी इसमें आपको आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है, नाइट्रॉक्स मोनो सस्पेंशन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड स्टैंड की लाइट के लिए यहाँ पर इसमें सेंसर लगाया गया है और स्पोर्टी गियर लीवर दिया गया है। इसमें 5 गियर के साथ ये बाइक आती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर होने की वजह से यहाँ पर पेट्रोल बंद करने के लिए भी आपको सुविधा मिलती है, आप यहाँ से पेट्रोल बंद कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात इसमें दी गई है। और इंजन काउल भी इसमें मिलता है, जिसमें ब्लू और वाइट के स्टिकर आपको मिलते हैं और ब्लू कलर के स्टिकर आपको इसके एलॉय व्हील पर भी मिलते हैं। इंजन की हम बात करें तो इसमें आपको किक भी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
और साइलेंसर इसका आगे से गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक बात तो मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगा कि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो मैंने सोचा था NS 160 वाले इंजन में पावर कम करके दी गई होगी तो 4 वाल्व होंगे इसमें, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें नया इंजन बनाया गया है जो कि 2 वाल्व वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है। इसके इंजन की बात करें तो 124.45 सीसी का इंजन है, 12 HP की पावर है, 8500 RPM पर, 11 Nm की टॉर्क है, 7000 RPM पर। ब्रेक की हम बात करें आगे 240 mm की डिस्क ब्रेक है ASB ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, पीछे 130 mm की ड्रम ब्रेक है इसमें। दोस्तों डायमेंशन की हम बात करें तो सीट हाइट है 805 mm और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 179 mm और इसका बिल बेस है 1353 mm, वजन है 144 किलोग्राम, पेट्रोल टैंक इसमें 12 लीटर का लगाया गया है। और इसी समय हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो 99,680 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, तिरुपति बजाज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। ऑन रोड प्राइस के लिए नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस के लिए या फिर बजाज की किसी भी बाइक को ख़रीदने के लिए। और अब हम माइलेज की बात करते हैं इस बाइक की, तो 45 से 50 तक की माइलेज इसमें मिल जाएगी अगर आप इस बाइक को आराम से चलाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ ये बाइक आती है दोस्तों। तो आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसका मॉडल और डिज़ाइन, इसके फीचर्स, ये सारी चीज़ें कैसी लगी। अभी इस बाइक में पेट्रोल भाई नहीं पड़ा हुआ इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, और इसमें पेट्रोल नहीं इसलिए स्टार्ट नहीं हो सकती। किसी दिन मैं आपको इसकी टेस्ट राइड करके दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा और कि ये चलने में कैसी। फ़िलहाल देखने में तो भाई बेस्ट लग रही है, यंग जनरेशन के लिए काफ़ी बेटर है। और ASB ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर तार दी गई है, जब आप पीछे ब्रेक दबाएँगे तो आगे की भी ब्रेक लगेगी, जो कि काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है इसमें। तो आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों बैक लाइट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसका, मैं इस चीज़ को दिखाना भूल गया था, आप इसको ज़रूर देख लें। यहाँ पर भी एक लाइट दी गई है जो कि आपके नंबर प्लेट पर रहेगी, यहाँ पर बैक लाइट है, ब्रेक लाइट है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।